26 जनवरी को किसानों के समर्थन में राठ नगर में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मामला जनपद हमीरपुर के राठ का है, जहां पर आज गणतंत्र दिवस पर लोग जगह जगह झंडारोहण कर देश के अमर शहीद जवानों को याद कर उनकी शहादत को सलाम कर रहे थे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ट्रैक्टर रैली निकाल कर सरकार विरोधी नारे लगाकर सड़कों पर नारेबाजी कर रहे थे, जिसे देखते हुए पुलिस ने राठ के स्टेट बैंक चौराहे पर सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ताओं को मना किया। लेकिन जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर समाजवादी समर्थकों को हिरासत में ले लिया और अपने साथ कोतवाली में ले गई। क्या मामला है? मामला है जो हमारे किसान बैठे हैं दिल्ली में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश में पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग शांतिपूर्वक ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, किसानों के समर्थन काले कानून का विरोध कर रहे थे। बताइए, हम लोग शांतिपूर्वक ट्रैक्टर रैली भी नहीं निकाल सकते? तानाशाही जबरदस्ती मार रहे, जबरदस्ती हम आए प्रतिनिधि सतपाल यादव को ले जा रहे, कौन सी बात है? रैली निकाली जा रही है, इस समय में थोड़ा बताएं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय श्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर किसानों के समर्थन में आज किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेगा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में शांतिपूर्वक ढंग से किसानों के समर्थन में इस काले कानून कृषि कानून के खिलाफ हम लोग किसानों के समर्थन में ये आज ट्रैक्टर रैली सारी तहसीलों में हर जगह पूरे प्रदेश